हाय फ्रेंड्स, तो आज से फिर से हम एक नए टॉपिक्स की तरफ आए हैं, ट्रायग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं, जो कि आपका जो एग्जाम्स में जो आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। देखिएगा, साइन थीटा बराबर हमने लिखा है लंब बटा कर्व, कॉस थीटा आधार बटा कर्व, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। ठीक है, ये तो मैंने लिखा, लेकिन अगर ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये कोई थीटा है, ये तो कर्ण ऑब्वियस ही होगी और ये हमारा यानी कि थीटा के सामने जो भी साइड्स होंगे वो क्या कहला जाएंगे, लंब कहला जाएंगे यानी परपेंडिकुलर कहला जाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, आधार कहलाएंगे। ठीक है, यानी हमारा एक जो थीटा है वो डिफाइंड कर पाएगा कि कौन हमारा लंब होगा और कौन हमारा आधार होगा। राइट, इतना कर लेने के बाद ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला जो 6 है यानी जिसके हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिक फार्मूला ये है, अगर आप लोग अगर इसे शॉर्ट में याद करना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच, इसके बाद होगा कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, इसके बाद टेन थीटा बराबर पी बटा बी, इसके बाद कॉसेक थीटा एच बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। ये हम लोग का फंडामेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हम लोग याद कर पाएंगे, ये तो था हम लोग का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वगैरह। और कुछ फॉर्मूले हम लोग के सामने आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसके बाद का फॉर्मूला है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हम लोग का फंडामेंटल इश्यूज है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करते चले जाएंगे जैसे फार्मूला कंप्लीट होंगे। और पहले नंबर तो हम लोग यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि कुछ फार्मूले से जो हम लोग का डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे करना पड़ रहा होगा। ठीक है, जब हम लोग का ए कम्प्लीटेड हो जाएंगे उसके बाद हम लोग चैप्टर वन यानी कि इसी का 8.1 से हम लोग क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हमारे समझ से जो क्वेश्चंस और पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाले हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और जो क्वेश्चंस गेसिंग कर रहे होंगे, लगभग मेरे ख्याल से वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम उस क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करवाएंगे। तो ये था हम लोग का ये थोड़ा सा फॉर्मूला था। अगर हम लोग और कुछ आगे स्लाइड में देखेंगे फार्मूले को, तो हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके बाद आप देखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो फॉर्मूला होगा वो वन होगा, और इसी से हम लोग निकाल रहे होंगे फॉर्मूला और सा साइन थीटा बराबर वन वाई कोसेक थीटा, या फिर हम लोग यहीं से निकाल रहे होंगे कोसेक थीटा बाई बराबर वन वाई साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला वगैरह है। इसके बाद का हम लोग का फॉर्मूला होगा वो इधर देखिएगा, इसके बाद का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बराबर वन हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा बराबर वन बाई सेक थीटा। इसके बाद का फॉर्मूला हम लोग के सामने है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन है, तो यहाँ से हम लोग का जो फॉर्मूला आएगा टेन थीटा बराबर वन बाई कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ से कॉट थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वन बाई टेन थीटा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग की थीटा की कहानियाँ है, अगर हम लोग यहाँ पे थीटा को इंक्लूड कर पा रहे होंगे, थीटा को समझ पा रहे होंगे, तो थीटा से ही क्या होगी कि हम लोग इससे दो तीन क्वेश्चंस जो है मतलब डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में, और एक दो क्वेश्चंस जो है हम लोग का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो हम लोग का जो फंडामेंटल जो फॉर्मूले हुए, ए वाले जो छः फार्मूला इधर हो रहे हैं, एक फार्मूला इधर है, बेसिकली एक फार्मूला इधर, इससे दो फार्मूला डिराइव की जा चुकी है, एक फार्मूला ए हुआ जिसे हम लोग है ना राउंड कर चुके होते हैं ए वाले, और एक फार्मूला हम लोग का ए वाले।
यानी टोटली 6-3-9 फॉर्मूला इधर अभी फिलहाल है, और नेक्स्ट अगले स्लाइड पे हम लोग फॉर्मूला लिख रहे होंगे। तो एक फॉर्मूला और हम इधर लिख पा रहे होंगे, गौर कीजिएगा। जैसे फोर हम लिख ले रहे हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, इसी तरीके से टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, इसी तरीके से कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। इसके बाद अगर हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, और एक हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे होंगे कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग का हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।